कुरवाई पुलिस द्वारा विदिशा एसपी दीपक कुमार शुक्ला के निर्देशन में फ्लैग मार्च निकाला गया। कुरवाई अनुविभागीय अधिकारी पुलिस ललित सिंह डांगोर, कुरवाई थाना प्रभारी ब्रजेश मार्सकोले एवं सभी पुलिस के जवान मौजूद थे। इस फ्लैग मार्च का उद्देश्य आम जन से जनसंवाद, मार्गों पर ट्रैफिक व्यवस्था एवं अपराधियों के बीच पुलिस का खोप बना रहे था। कुरवाई से सोहेल अली खान की रिपोर्ट। में फ्लैग मार्च निकाली गई, उसके बारे में बताएं। पिछले साल 30 जुलाई को हमारे माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय के आदेश पर संपूर्ण मध्य प्रदेश में जितने भी क्षेत्रीय मैदानी क्षेत्र हैं, मैदानी थाने और मैदानी पुलिस है, उनके द्वारा इस तरह का जन संवाद करते हुए फ्लैग मार्च निकाला गया था। इसी तारतम्य में हमारे जिले के पुलिस अधीक्षक श्री दीपक कुमार शुक्ला द्वारा आज विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं और हम लोगों द्वारा पूरे जिले में आज जनसंवाद, लोगों के साथ मिलना जुलना और फ्लैग मार्च और सभी जो इस तरह के चिन्हित स्थल हैं जहाँ पर पुलिस की आवश्यकता है, उनमें हम लोग इवनिंग वॉक करेंगे और उसके बाद हम लोगों की समस्याएं जानेंगे। ये पूरे मध्य प्रदेश में ये कार्रवाई आज होगी। सर, ये कितने दिन चलेगा? ये आज के लिए, चूँकि 30 जुलाई पिछले साल किया था, पूरे मध्य प्रदेश के लिए आज ये विशेष दिन के तौर पर किया जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी कंटिन्यू रहेगी। हमारी इवनिंग गश्त तो अभी चल भी रही है और ये चलती रहेगी लगातार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।